भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार बस ने मारी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर और हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हादसे में दो लोगों की मौत हुई, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। फिलहाल देवा शरीफ जा रहे थे ये तमाम लोग, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर देवा थाना क्षेत्र के पलटा गांव के पास मामला हुआ, तो हादसे में दो लोगों की मौत हुई है, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। देवा शरीफ जा रहे थे उसी दौरान ये हादसा हुआ। तो ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर ये देवा शरीफ जा रहे थे, बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हादसे में दो लोगों की मौत भी हो गई है, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर देवा शरीफ जा रहे थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। भीषण सड़क हादसा हुआ देवा थाना क्षेत्र के पास पलटा गांव में, यह मामला सामने आया। इस पूरे हादसे में दो लोगों की मौत और 14 लोगों के घायल होने की खबर बताई जा रही है। तो ट्रैक्टर जब हादसे का शिकार हुआ उस दौरान की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल कोतवाली देवा का पूरा मामला। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ और तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिसमें हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो ट्रैक्टर ट्रॉली से देवा शरीफ जा रहे थे लोग और उसी दौरान देवा शरीफ जाते वक्त ये ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हो गई। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है देवा शरीफ के पास, कोतवाली देवा का मामला। देवा शरीफ जा रहे थे उसी दौरान ये हादसे का शिकार हो गए, ट्रैक्टर ट्रॉली हादसे का शिकार हुई है। फिलहाल इस पूरे हादसे में दो लोगों की मौत, 14 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ उसी दौरान की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसी दौरान की हलचल की तस्वीर ये है, तेज रफ्तार बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी और हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक प्राइवेट बस जो देवरिया की तरफ जा रही थी और एक ट्रैक्टर रहा था, दोनों में एक्सीडेंट हो गया, करीब 14 लोग अभी तक घायल हैं और दो मृत्यु हो चुकी है। जो लोग घायल हैं उनका सदर अस्पताल बाराबंकी में इलाज चल रहा है, अब वो जांच के बाद पता चलेगा कैसे क्या हो रहा है। हम लोगों की प्राथमिकता यही थी कि जो घायल हैं उनको किस तरह से बचाया जाए और उनको सदर अस्पताल तत्काल ला करके उनका इलाज कराया गया।